चुका है हांगकांग से जुड़े 100 बड़े बिजनेसमैन के ऑर्डर प्रभावित हो रहे हैं, जिससे जयपुर के कारीगर भी इससे प्रभावित हैं। निर्यात कारोबार में 20% गिरावट की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के कई निर्यात सौदे चीन में फैले कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। चीन में मार्च तक फैक्ट्रियां बंद हैं। ऐसे में तैयार ऑर्डर डिलीवरी नहीं हो रहे हैं और नए ऑर्डर मिल नहीं रहे हैं। इससे जयपुर समेत प्रदेश में रफ स्टोन की कटिंग फिनिशिंग करने वाली इकाइयों पर संकट मंडराने लगा है। जयपुर में हर साल करीब 2500 करोड़ रुपए के कलर स्टोन का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा करीब 500 करोड़ रुपए के कलर स्टोन की घरेलू बिक्री होती है। इस रफ को स्थानीय कारीगर कलर स्टोन में बदलते हैं, फिर इसका एक बड़ा हिस्सा निर्यात किया जाता है। निर्यात कारोबार में 20% गिरावट की संभावना जताई जा रही है। हांगकांग जयपुर के ज्वेलर्स के लिए बड़ा बिजनेस सेंटर है। हांगकांग से जुड़े 100 बड़े बिजनेसमैन के ऑर्डर प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में कारोबार बंद करने से इकाइयों में घाटा बढ़ना तय माना जा रहा है। हमारा ट्रेड पहले ही काफी ज्यादा परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिसमें हर तरह की परिस्थितियां हैं। चाइनीज जो वायरस जो चल रहा है कोरोना वायरस, उसकी वजह से भी बिजनेस में काफी परेशानी आ रही है। हांगकांग का बिजनेस लगभग ठप पूरा है और वहां पे अभी 2 मार्च तक की तो पूरी ऑफिशियल हॉलीडेज डिक्लेयर की हुई है। इससे व्यापार पे और विपरीत असर आएगा और जो ग्रोथ है बिजनेस की वो भी थोड़ी विपरीत होगी। दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस के फैलने से पर्यटन और व्यापार पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। इसका शेयर बाजार और कच्चे तेल के बाजार पर भी असर होगा। चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते भारत से कॉटन निर्यात पर विपरीत असर पड़ने की संभावना बनी हुई है। भारत दुनिया में कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक है और चीन प्रमुख आयातक देश है। इसी महीने चीन को करीब 5 लाख गांठ कॉटन निर्यात की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से चीन को कॉटन निर्यात पर असर की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट मसाले गारमेंट के निर्यात कारोबार पर असर की उम्मीद जताई जा रही है। जयपुर के अलावा सूरत के हीरा कारोबार पर भी कोरोना का बड़ा असर पड़ रहा है। पिछले 6-8 महीने से हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रहा था, अभी कोरोना वायरस से चाइना में भी बिजनेस में, तो एक तरीके से हांगकांग और चाइना सेक्टर काफी महीनों के लिए अभी हमारा खत्म सा हो गया है ये मान के चल। पर इसका इम्पैक्ट जो है वो काफी ज्यादा होगा इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि हर जगह हमारे को प्रतिस्पर्धा है, जो जैसे मान लीजिए बैंकॉक से है कि जर्मनी से है कि सब जगह से, और प्राइस की बहुत मारामारी रहती है इंटरनेशनल उसमें। जयपुर का ज्वेलरी सेक्टर 5 लाख लोगों के लिए रोजगार संसाधन मुहैया करा रहा है। चीन से प्रभावित हुए बिजनेस का असर अगले 6 महीने तक यहाँ की फैक्ट्रियों में देखने को मिल सकता है। ज्वेलर्स का कहना है कि इस वायरस पर काबू पाने में अगर ज्यादा वक्त लगता है तो कई हाथों से रोजगार छिन सकता है। ज्वेलर्स का कहना है कि जल्द से जल्द इस वायरस का जो इलाज है वो हो और इसकी घोषणा के तुरंत बाद जयपुर का ज्वेलरी सेक्टर भी रफ्तार पकड़े। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर।